सबसे पहले एक सलाह, अगर आप ईयरफोन्स लगा लें तो आपको ज़्यादा अच्छा सुनाई भी देगा, समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में 5 प्रश्न। मलेशिया में इमान नामक गैंडे की मौत के बाद कौन सी प्रजाति विलुप्त यानी समाप्त हो गई है? ए सुमात्रा राइनो, याद कीजिए हंसते हंसते, मित्र जैसा राइनो, सुमात्रा राइनो। सुमात्रा राइनो नामक प्रजाति के इमान नामक 25 वर्षीय मादा गैंडे की कैंसर से मौत हो गई है। 6 माह पहले इसी प्रजाति का अंतिम नर गैंडा भी मर गया था और ये दोनों गैंडे मलेशिया के सबा राज्य में बोर्नियो रिजर्व में रहते थे। मलेशिया की राजधानी है क्वालालंपुर, मुद्रा रिगगित और प्रधानमंत्री हैं महाथिर बिन मोहम्मद। ओशन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सी बांग्लादेश। इमेजिन करिए कि मस्ती से डांस हो रहा है, ओशन में डांस हो रहा है और कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के सबसे बड़े इस अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह का शुभारंभ कॉक्स बाजार नामक स्थान पर किया गया है। इसमें 15 देशों के 200 से अधिक डांसर और कोरियोग्राफर भाग लेते हैं। इस वर्ष के लिए समारोह की थीम है ब्रिजिंग द डिस्टेंस या दुरुतेर सेतु बंधन। किस देश में यौन हिंसा के मामले बढ़ने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? सी फ्रांस। ऐसे याद कीजिए कि यौन हिंसा के मामले बन गए गले की फांस। किसकी फांस? फ्रांस के गले में फांस, याद रहेगा। फ्रांस में अब तक इस साल पुरुष साथियों के द्वारा महिलाओं की हत्या के 137 मामले सामने आ चुके हैं। शनिवार को राजधानी पेरिस में 50,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया इस मांग के साथ कि सरकार इन मामलों में समाज को शिक्षित करने के लिए बजट बढ़ाए। किस पड़ोसी देश ने भारत के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? बी नेपाल। ऐसे याद कीजिए हंसते हंसते कि नो एंट्री इन नेपाल, नो एंट्री इन नेपाल। नेपाल के जनकपुर उच्च न्यायालय ने भारत के 3 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया है क्योंकि आरोप था कि भारत में पंजीकृत वाहन कुछ वर्षों से सीमा के आर पार यात्री लेकर चलते हैं जो कि नेपाल के कानून के खिलाफ है। यह मामला भारत से सटे दक्षिण नेपाल के रौतहट जिले से जुड़ा है। हांगकांग की जनता ने किस चुनाव में रिकॉर्ड मतदान करके चीन पर लोकतंत्र का दबाव बढ़ाया है? ए जिला परिषद। इसको ऐसे याद कीजिए हंसते हंसते कि हांगकांग की जनता ने जिला परिषद में रिकॉर्ड मतदान करके लोकतंत्र को फिर से जिला दिया। डिस्कस कर लेते हैं, हांगकांग चीन का एक उपनिवेश है। वर्तमान में हांगकांग की जनता बीजिंग सरकार पर लोकतंत्र का दबाव बना रही है। 24 नवंबर को हांगकांग में जिला परिषद के चुनाव हुए जिसमें रिकॉर्ड 86% वोटिंग हुई। राष्ट्रीय कैटेगरी में 3 प्रश्न। 26 नवंबर 2019 को भारतीय संविधान दिवस के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? सी 70 वर्ष, याद कीजिएगा 70 से संविधान दिवस। और डिटेल्स हैं इसकी कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक यानी पार्शली रूप से और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। राज्यपालों और उपराज्यपालों का 50वां सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? सी नई दिल्ली। ऐसी याद कीजिए मस्ती में कि पूरी दिल्ली में बिछा दिया गया पाल क्योंकि सम्मेलन किसका होना था? राज्यपाल। डिटेल्स क्या है? नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यपालों को विश्वविद्यालयों में होने वाले शोध में निवेश बढ़ाने और अपने अपने राजभवनों में संविधान दिवस उत्सव कराने के निर्देश दिए हैं। ये भी याद रखिएगा कि राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। यह पद राज्य में होता है जबकि उपराज्यपाल या प्रशासक का पद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। अंगदान के मामले में देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोग सबसे आगे हैं? चौंकिएगा मत क्योंकि उत्तर है ए दिल्ली। भाई दिल्ली तो है ही दिल वालों की, तो अंगदान में दिल वाले सबसे आगे निकल गए। डिस्कस कर लेते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस श्रेणी में दिल्ली सबसे ऊपर तथा उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे पीछे हैं। दिल्ली में 2018 में सर्वाधिक 2016 लोगों ने अंगदान किया। स्पोर्ट्स कैटेगरी में 4 प्रश्न। डेविस कप के फाइनल में 7 साल बाद किस देश को खेलने का मौका मिलेगा? उत्तर है डी स्पेन। याद कीजिए मस्ती में कि जब खत्म हो गया पेन तो खेलने आ गया स्पेन। और इसकी डिटेल्स कर क्या है कि टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने डेविस कप के फाइनल में ब्रिटेन को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है, इसलिए 7 साल बाद ये मौका मिल रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि स्पेन अब तक कुल 10 बार फाइनल में पहुंचा है, आखिरी बार खेला था 2012 में। साथ में ये भी देखिएगा कि स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा यूरो और प्रधानमंत्री हैं मारियानो रहोई। भारत की धरती पर गुलाबी गेंद से खेले गए पहले डे नाइट टेस्ट मैचों की सीरीज में किसे मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है? बी ईशांत शर्मा। याद कीजिए हंसते हंसते कि ईशांत शर्मा के हो गए गुलाबी क्योंकि गेंद भी थी गुलाबी। आइए डिस्कस करते हैं,
कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुए डे नाइट टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके यानी हरा के पहली बार गुलाबी गेंद से खेले गए टेस्ट मैच की सीरीज 2-0 से जीत ली। इस दौरान विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच और ईशांत शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप में कौन सी टीम बनी है विजेता? ए ब्राज़ील, याद कीजिए हंसते हंसते, क्योंकि ब्राज़ील में था जील, जील यानी उत्साह, इसलिए जीत गया ब्राज़ील। आइए डिस्कस करते हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में फुटबॉल विश्व कप अंडर 17 का खिताब मेजबान टीम यानी कि ब्राज़ील ने ही जीता है। फीफा के इस 18वें संस्करण के फाइनल में मैक्सिको की फुटबॉल टीम को 2-1 से हरा दिया। हालांकि ब्राज़ील इससे पहले 3 बार खिताब जीत चुका है, पर अभी ये खिताब जीता है पूरे 16 साल बाद। क्या आप जानते हैं कि फीफा की फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं जानते तो अब सुन लीजिए और याद कर लीजिए कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अंतिम प्रश्न, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF को अब किस नाम से जाना जाएगा? बी वर्ल्ड एथलेटिक्स, ऐसे याद कीजिए कि जो चलाएगा पूरे वर्ल्ड में पूरा एथलेटिक्स वो कहलाएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स। आइए डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि IAAF की स्थापना 1912 में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के रूप में की गई थी और 2001 में इसे ये वाला नाम दिया गया था जो कि अभी नाम बदला गया है और 2019 में फिर से इसका नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है। आज का प्रश्न है ये, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? पिछले वीडियो का प्रश्न था ये और उसका उत्तर है ये।